वेलकम टू रामटेक क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉइल मैकेनिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वाटर कंटेंट मीन जलांश। जलांश यहाँ पर ज्ञात करने की डिफरेंट विधियां यानी विभिन्न यहाँ पर मेथड देखने वाले हैं, विभिन्न मेथड देखने वाले हैं जिससे कि जलांश या वाटर कंटेंट को ज्ञात किया जा सकता है। अभी तक हमने देखा था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और उन बेस पर यानी उनके फार्मूले बेस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, यानी कुछ अलग अलग मेथड से अलग अलग विधि से वाटर कंटेंट या जलांश को ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट या डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट जलांश ज्ञात करने के डिफरेंट यानी विभिन्न मेथड विभिन्न विधियां, ठीक है, जलांश ज्ञात करने की विभिन्न विधियां यहां पर लिख सकते हैं। जलांश ज्ञात करने की विभिन्न विधियां, ठीक है, विभिन्न विधियां। अभी तक जितना पढ़े हैं उनको कंटिन्यूअसली डेली रिवीजन कराते रहेंगे, ठीक है, यानी स्टार्टिंग के 5 मिनट पिछले लेक्चर्स के रिवीजन करा दिया करेंगे जिससे कि वो कंटिन्यूटी में बना रहेगा, ठीक है, ये भूलें ना उसे। और ये हमारा आज हम देखने वाले हैं वाटर कंटेंट एंड जलांश को ज्ञात करने की विभिन्न विधियां। कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, हमको पता है ओ एंड ड्राई मेथड होता है जिसके द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हैं, जलांश ज्ञात कर सकते हैं। पिकनोमीटर होता है, पिकनोमीटर एक ऐसा मेथड होता है जिससे जलांश भी ज्ञात करते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व भी ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सैंड बाथ मेथड, ठीक है, सैंड बाथ मेथड। उसके बाद में है कैल्शियम कार्बाइड मेथड और है फिर रेडिएशन मेथड, ठीक है। तो ये डिफरेंट विधियां हैं यानी भिन्न भिन्न विधियां हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जलांश को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मृदा में उपस्थित जलांश यानी जल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी मिट्टी में या किस सॉइल सैंपल में कितना जलांश है या वाटर कंटेंट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले उन विधियों के नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो यहाँ पर निम्न विधियां होती हैं जलांश को ज्ञात करने के, निम्न विधियां होती हैं या डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं या डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो पहला है ओवेन ड्राई मेथड, ठीक, ओवेन ड्राई मेथड यानी ओवेन शुष्क मेथड। इसमें क्या होता है, एक ओवेन रहता है जिसको कुछ टेम्परेचर पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या करते हैं 24 आवर के लिए यानी 24 घंटे के लिए रख देते हैं और 24 घंटे बाद क्या करते हैं दोबारा वेट करते हैं तो पता करते हैं कि कितना उसके सॉइल सैंपल में कमी हुई, उसके वजन में कितना कमी हुआ, तो वहां से क्या करते हैं जलांश को ज्ञात करते हैं। सेकेंड मेथड है पिकनोमीटर मेथड, पिकनोमीटर में एक पिकनोमीटर लेते हैं, जैसे एक शंक्वाकार होता है आकार का एक बॉटल जैसा, ठीक है, तो ये हो गया पिकनोमीटर, ठीक है, तो ये पिकनोमीटर है। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, एक पिकनोमीटर लेते हैं और उसमें एक ड्राई मतलब एक पिकनोमीटर लेते हैं, उसकी हेल्प से क्या करते हैं जलांश को ज्ञात करते हैं और यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व भी ज्ञात की जा सकती है इसकी हेल्प से,
थर्ड मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। यानी कैल्शियम कार्बाइड विधि, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड विधि। नेक्स्ट है सैंडबाथ मेथड, नेक्स्ट है सैंडबाथ मेथड, नेक्स्ट है सैंडबाथ मेथड। यानी सैंडबाथ विधि पांचवा मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। पांचवा कैल्शियम कार्बाइड हो गया, सेंड बाथ हो गया। अब यहां पर रेडिएशन मेथड होता है, रेडिएशन विधि, एक होता है एल्कोहल मेथड, ठीक है। इसकी भी हेल्प से क्या की जा सकती है, सॉइल सैंपल से जल की मात्रा या जलांश को ज्ञात की जा सकती है एल्कोहल मेथड। यानी इससे पता चलता है कि एल्कोहल का यहाँ पर यूज हो रहा होगा, ठीक है। इसमें जलांश को ज्ञात करने के लिए, यानी वाटर कंटेंट को ज्ञात करने के लिए एल्कोहल का यूज हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके, एक एक मेथड को कि कैसे इसका प्रोसीजर होता है, यानी क्या प्रोसीजर होता है ज्ञात करने की, क्या विधि होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि जलांश को ज्ञात करने की, जलांश को ज्ञात करने की विधियां बताएं तथा किसी एक पर सचित्र वर्णन करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, या आ जाता है कि पिग्नोमीटर मेथड को एक्सप्लेन करें, यानी पिग्नोमीटर आ सकता है कि पिग्नोमीटर को यानी एक्सप्लेन करने के लिए, या आ सकता है ओएन ड्राई, या आ सकता है सैंडबाथ मेथड। ये तीनों इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, जो कि ये थ्योरी बेस पर ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे ओएन ड्राई और पिग्नोमीटर और ये सैंडबाथ मेथड, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ओएन ड्राई होता है सबसे एक्यूरेट मेथड, ठीक है, सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, एक्यूरेट मेथड होता है। अगर क्विकेस्ट मेथड की बात करें कि सबसे जल्दी तेजी से वाटर कंटेंट किस विधि से ज्ञात की जा सकती है, तो क्विकेस्ट मेथड होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। इसमें एक कैसा मेथड है, क्विकेस्ट यानी सबसे जल्दी रिजल्ट देता है, ठीक है, सबसे जल्दी रिजल्ट देता है, तो यह है क्विकेस्ट मेथड, यानी सबसे जल्दी विधि वाला विधि, सबसे क्विकेस्ट मेथड है, यानी सबसे जल्दी इसमें क्या होता है रिजल्ट देता है, यानी वाटर कंटेंट की, वाटर कंटेंट को ज्ञात करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, ओएन ड्राई मेथड, ठीक। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, ओएन ड्राई मेथड, यानी ओएन ड्राई विधि द्वारा, यानी कि ओएन ड्राई को से की हेल्प से कैसे जलांश ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला मेथड, सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, जो कि जो रिजल्ट देता है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रहता है। तो ओएन ड्राई मेथड से कैसे हम जलांश ज्ञात करते हैं, यहाँ ये देखने वाले हैं। तो ये सबसे ज्यादा सिंपल मेथड होता है। इसमें क्या होता है, किसी मिट्टी से सॉइल सैंपल लेते हैं, ठीक है, सॉइल सैंपल लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको पहले वेट कर लेते हैं, यानी उसका वजन ज्ञात कर लेते हैं। कहीं मान लीजिए ये मिट्टी है, ठीक है, तो इसको यहां से मिट्टी को निकाला गया, एक सॉइल सैंपल में इसको क्या किया गया, रखा गया, ये मिट्टी है, ठीक है, सॉइल है। अब इसको क्या करेंगे, ओएन में, यानी ये ओएन है हमारा, ये ओएन है, ठीक है, ये ओएन है, ऐसे बना होता है। यहां पर टेम्परेचर सेट कर देते हैं, टेम्परेचर यहां होता है, ठीक है, टेम्परेचर सेट कर देते हैं, और उसके बाद में ये होता है,
इसमें क्या कहते हैं सॉयल सैंपल को रख देते हैं, इसको सॉयल सैंपल को इसमें रख देते हैं, ठीक है, इस ओवन में रख देते हैं। टेम्परेचर जो सेट करते हैं ये 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, ठीक है, कितने देर के लिए, 24 घंटे के लिए, 24 आवर, ठीक, 24 घंटे के लिए 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पे ओवन में रख देते हैं, ठीक है। पहले क्या किया, इस सॉयल सैंपल को मिट्टी से निकाल लिए, ठीक है, एक सॉयल सैंपल ले लिए, इसका वेट कर लिए, तो वेट W1 आ गया, यानी कि ये जो वेट है अभी ये सैचुर, इसमें क्या है, इसमें जल की भी मात्रा है, ठीक है, इसके वाइट में जल की भी मात्रा है, ठीक है, तो इसको क्या किया हम अभी, यानी कि इसमें वाटर कंटेंट अभी मौजूद है, तो इस सॉयल सैंपल को कैपिटल W1 मान लिए, ठीक है, इसका वेट है जो W1 है, ठीक है, वेट है या इसका भार है जो W1 मान लिए। अब इसको हम क्या किए, इसको ओवन में पुट कर दिए, कितने देर के लिए, 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए इसको पुट कर देते हैं ओवन में, और टेम्परेचर सेट करते हैं कितना, 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पर इसको सेट कर देते हैं, 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पर इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर आके इसको 24 घंटे बाद दोबारा जब देखते हैं तो इस मिट्टी का, ये मिट्टी सूख चुकी होगी, ठीक है, अब इसका वजन कर लेते हैं और इसको मान लेते हैं W2 है, ठीक है, इसका जो सूखा हुआ भार है वो W2 है, ठीक है। तो अब यहां पर वाटर कंटेंट हमको पता है, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये अभी हम इसका ये पढ़ चुके हैं कि वाटर कंटेंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो वेट ऑफ वाटर कैसे पता करेंगे हम, तो वेट ऑफ वाटर पता होगा आपको, कैसे पता होगा, जब इस वाले सॉयल सैंपल से, मतलब ये जो कंटेनर था, कंटेनर प्लस सॉयल का वेट था कितना, W1, यहां पर क्या है, सूखी हुई मिट्टी प्लस कंटेनर का वेट, यानी कि W1 माइनस W2 को घटा दें तो यहां पर हमको वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा, ठीक है, वेट ऑफ वाटर पता चल गया। अपन वेट ऑफ सॉलिड पता करना है, यानी W2 में से कंटेनर का वेट हटा दें, यानी W1 में क्या था, ये वेट किस चीज का, सॉयल सैंपल था, ठीक है, प्लस कंटेनर का वेट था, ठीक है, कंटेनर का वेट था, दोनों का वेट था, और W2 जो है वेट, ये W2 क्या है, W2 में ड्राई सॉयल है, ठीक है, ड्राई सॉयल है और प्लस कंटेनर है, प्लस कंटेनर का वेट है, यानी ये जिस बर्तन में रखा है उसे कंटेनर बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ कंटेनर का वेट प्लस सॉयल का वेट है, यानी ये सैचुरेटेड सॉइल है या बोले तो पार्शियली सैचुरेटेड है, ठीक है, या वेट सॉइल बोल सकते हैं, यानी गीली हुई मिट्टी है, ठीक है, वेट सॉइल है, वेट सॉइल प्लस कंटेनर का वेट है, यहाँ पर वेट सॉइल, यहाँ पर ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर का वेट है, तो हम यहाँ पर W1 माइनस W2 कर दिए तो केवल यहाँ पर जल की मात्रा बची, ठीक है, यानी वेट ऑफ वाटर बचा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वेट ऑफ सॉलिड पता करना है, तो ड्राई में से क्या करेंगे, कंटेनर का वेट हटा दें तो हमको ड्राई सॉइल मिल जाएगा, ठीक है, या सॉलिड ड्राई सॉइल मिल जाएगा, या बोले कि सॉइल सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है, सॉइल सॉलिड। तो यहां पर W2 में से कंटेनर का वेट हटा देते हैं, कंटेनर का वेट कितना है, कंटेनर का वेट यहां पर लेते हैं W3, तो यहां पर कंटेनर का वेट मान लेते हैं W3 है, क्या है, W3, ठीक है, वेट ऑफ कंटेनर, जो वेट ऑफ कंटेनर मान रहे हैं, यानी कि जो बर्तन का भार है वो कितना मान लेते हैं, W3, वेट ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू कितना है, W3, तो W3 घटा देते हैं W2 में से, यानी उस बर्तन का भार हटा दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो यहाँ पर वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर पाएंगे बाई मेथड ऑफ ओवन ड्राई मेथड, ठीक है, ओवन ड्राई मेथड से यहाँ पर
क्या किया, वाटर कंटेंट को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये हमारा वेट ड्राई मेथड था। इसमें अगर हम वर्डिंग लिखना चाहें कि कैसे इसको क्या कहते हैं, इसमें वर्ड यानी इसको क्लासिफाई कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे कि ओवन ड्राई मेथड एक ही एक सिंपल मेथड होता है, ठीक है, एक सिंपल मेथड होता है। इससे हम जो वाटर कंटेंट क्या करते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए ये एक प्रकार का वाटर कंटेंट को ज्ञात करने का सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। इसमें जो यूज होता है चीजें वो एक कंटेनर होता है, एक सॉयल सैंपल होता है, एक कंटेनर होता है और वेन ड्राई होता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर यूज होते हैं, वेन ड्राई होता है किसी सॉयल सैंपल से किसी यानी कहीं से मिट्टी को मिट्टी लेके आते हैं, उसमें से सॉयल सैंपल निकाल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कोई एक कंटेनर है, इसमें क्या करेंगे मिट्टी को रख लेंगे और उसको ले जाके ओवन ड्राई में पुट कर देंगे, ठीक है, ओवन ड्राई में रख देंगे, ओवन में, ओवन से कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का लेबोरेटरी मेथड होता है, ठीक है, लेबोरेटरी जो कि कॉलेज में क्या कहते हैं ये मेथड कराया जाता है, ठीक है, ओवन में रख के यहाँ पर ये चीजें देखोगे, ठीक है। तो ओवन ओवन में रख देते हैं और क्या करते हैं इसको 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देते हैं, 24 घंटे के लिए रखे रहने देते हैं। और पहले चीज जब यहाँ पर कंटेनर और सॉयल का वेट लिए थे तो वो मिट्टी कैसी थी, वो वेट थी यानी गीली हुई मिट्टी थी, तो अब इसका वेट किए थे तो W1 था, और ये W1 का वेट क्या था, W1 था, ये किस चीज का वेट था, वेट ऑफ वेट सॉयल प्लस कंटेनर का वेट था। और अब हम इसको जब 24 घंटे के लिए सॉयल सैंपल को कंटेनर ओवन में रख दिया है तो अब इसका वेट घट गया होगा, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर रखने के बाद मिट्टी कैसी हो गई होगी, पूर्ण रूप से सूख गई होगी यानी ड्राई सॉयल हो गई होगी। तो ये मिट्टी जब सूख जाएगी तो इसका वजन भी घट जाएगा, जब वजन घट गया है तो यहाँ पर हम ड्राई सॉयल और कंटेनर का वेट ले रहे देख रहे हैं, यानी अब जब इसको वेट किए तो ड्राई सॉयल और कंटेनर का वेट है। अब यहाँ पर हमको पता है वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर पान वेट ऑफ सॉलिड होता है, वेट ऑफ वाटर कैसे ज्ञात करेंगे, पहले कंटेनर जब गीली मिट्टी थी उसमें से सूखी मिट्टी को हटा देंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, मुझे जल की मात्रा मिलेगी, जो भी जल का भार मिलेगा। और यहाँ वेट ऑफ सॉलिड पता करना है तो ये ड्राई मिट्टी जो है इसमें से कंटेनर को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, ड्राई सॉइल या सॉलिड सॉइल सॉलिड मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेन ड्राई मेथड, ठीक है, इसको डिफाइन ऐसे ही कर सकते हैं इजिली, क्योंकि यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसको आगे वर्डिंग बना सकते हैं इजिली, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ओवन ड्राई मेथड में क्या करते हैं, एक सॉइल सैंपल कहीं मिट्टी से क्या करते हैं, सॉइल सैंपल को लेते हैं, सॉइल सैंपल को वेट कर लेते हैं। अब सॉइल सैंपल किस चीज में है, एक कंटेनर में है यानी किसी एक बर्तन में है, और वो मिट्टी है, मिट्टी कैसी है, W1 जो है ये W1 वेट ऑफ, यहाँ इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर फिर से कि W1 क्या है, ये है वेट सॉइल यानी गीली मिट्टी का वजन, वेट सॉइल प्लस कंटेनर, ठीक है। सेकेंड है W2 क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, यानी सूख गई मिट्टी, अब आप लोग कैसी है, सूखी हुई मिट्टी है, वेट ऑफ वेट सॉइल वेट ऑफ ड्राई सॉइल, क्योंकि मिट्टी सूखी गई है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर, ठीक। नेक्स्ट है W3 क्या है, वेट ऑफ कंटेनर है, W3 क्या है, वेट ऑफ कंटेनर, या कंटेनर को अगर W1 मान लेंगे तो यहां पर W1 को घटाएंगे, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं कि वेट जो था कंटेनर का वेट W1 मान लेते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा आसानी रहेगी आगे समझने में, क्योंकि
अभी इग्नोमीटर है तो इग्नोमीटर में मान लो डब्ल्यू वन लेंगे खाली कंटेनर का वेट, तो इसलिए कंटेनर का वेट यहाँ पर डब्ल्यू वन ले लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू वन इसे लेंगे तो इसे ये क्या लेंगे, डब्ल्यू टू लेंगे और इसे डब्ल्यू थ्री, ठीक है, डब्ल्यू थ्री। तो इसलिए इसलिए यहाँ पर कंटेनर का वेट को डब्ल्यू वन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, डब्ल्यू वन को कंटेनर का वेट लेंगे, इसे डब्ल्यू टू ले लेते हैं और इसे डब्ल्यू थ्री, ठीक है। डब्ल्यू वन क्या है, कंटेनर का वेट है और डब्ल्यू टू वेट सॉइल, तो यहां भी चेंजमेंट आया होगा, ठीक है, यहां भी चेंजमेंट करना पड़ेगा हमें फार्मूले में भी, ठीक है, फार्मूले में भी चेंजमेंट कर लें। तो यहां पर डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री होगा, यानी यहां पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री, और उसके बाद में वेट ऑफ सॉलिड यानी डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू वन। याद करने के लिए इसको याद रख सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि कंटेनर का वेट है डब्ल्यू वन, जो वेट सॉइल है यानी गीली मिट्टी हुई और कंटेनर है वो डब्ल्यू टू है, सूखी मिट्टी और कंटेनर है वो डब्ल्यू थ्री है। तो इसको फार्मूले को याद करने के लिए ऐसे याद रखेंगे, टू वन थ्री वन, ठीक है, सॉरी टू थ्री थ्री वन, यानी टू थ्री थ्री वन याद रखेंगे। जैसे कि वेट ऑफ डब्ल्यू टू यानी वेट ऑफ वेट सॉइल, ठीक है, प्लस कंटेनर, डब्ल्यू थ्री क्या है, ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर, और डब्ल्यू थ्री क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल और कंटेनर, और डब्ल्यू वन क्या है, कंटेनर का वेट, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा वेट ड्राई मेथड कंप्लीट होता है। आगे स्टार्ट करते हैं पिकनोमीटर मेथड, ठीक है, नेक्स्ट याद स्टार्ट करते हैं पिकनोमीटर मेथड। ये है ओवन ड्राई मेथड और बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बस ये डायग्राम याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है कि कैसे कहीं मिट्टी रही है, उसको क्या है, इसको एक साथ सैंपल लिए, ठीक है, इसका वेट कर लिए, उसके बाद में आगे ऐसे 24 घंटे तक इसको रख लिया, इस ओवन में इसे लिखेंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये है ओवन, इसका नाम होता है ओवन, ठीक है, ओवन इसका नाम होता है, ठीक है, ये है ओवन, और इसको 24 घंटे तक रखा कि 105 से 100। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर बोल दिया जाए कि मिट्टी ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, ऑर्गेनिक, इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज या ऑर्गेनिक चीजें इसमें मिक्स है, यानी ऑर्गेनिक सॉइल है, तो उसको टेम्परेचर यहाँ पर घटा दिया जाता है, यानी अगर ऑर्गेनिक है तो 60 डिग्री से या 60 डिग्री से, ठीक है, यानी 60 डिग्री से ऊपर नहीं रखते हैं, साठ डिग्री रखेंगे, ठीक है, 60 डिग्री से ऊपर नहीं देखते हैं। अगर ये जब रखेंगे, जब जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट मौजूद है तब, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल है तो यहां पर क्या करेंगे, 107 नहीं, यहां पर ओनली 60 डिग्री से ऊपर नहीं इसको वो करेंगे, टेम्परेचर एक इंक्रीज नहीं करेंगे, 100 यहाँ पर 60 डिग्री से ऊपर नहीं करेंगे, अदरवाइज 105 से 110 डिग्री ध्यान रखेंगे, 105 से 110 डिग्री ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीजें ऑर्गेनिक सॉइल के लिए है कि 60 डिग्री से ऊपर नहीं रखनी। सेकेंड मेथड हमारा पिकनोमीटर मेथड, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड पिकनोमीटर मेथड। ये हमारा ओवन ड्राई मेथड कंप्लीट होता है। सेकेंड मेथड है
पिकनोमीटर लेते हैं, उसकी हेल्प से क्या कहते हैं जलांश को या वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये सब चीजें क्या है, डायग्राम से हमको ज्यादा समझ आता है, ठीक है। जब हमको माइंड में अगर डायग्राम ध्यान रखेंगे तो उसको क्या है एक्सप्लेन भी कर पाएंगे अच्छे से, और कि कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसके बाद में क्या प्रोसेस होता है, तो वो सब इजिली इजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको इसको भी हम क्या करेंगे, अभी डायग्राम से बताते हैं, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ मान लेते हैं ओवन, ओवन है ये, सॉरी पिक्नोमीटर की बात करें तो पिक्नोमीटर है यहाँ एक, ठीक है, ये पिक्नोमीटर है, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करना है। ये थोड़ी शंकु आकार जैसे दिखेगी, ठीक है, टॉप पर जो कॉलर लगा हुआ है ये कैसा है, वो शंकु आकार जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो W1 है इसे W1 मानते हैं, इसे W2 लेके चलते हैं, इसे W3, ये W4 है, ठीक है, ये W4 है। तो यहाँ पर जो W1 है ये है एम्प्टी है, ठीक है, इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, एम्प्टी है यानी खाली डिब्बा है, ठीक। W1 वेट ऑफ कंटेनर, इसे बोलेंगे वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर, यहाँ पर मिट्टी मौजूद है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई मिट्टी मौजूद है, इतना ये क्या है सॉइल है, ठीक है, सॉइल मौजूद है। नेक्स्ट है W3, अब ये इतना सॉइल तो मौजूद है ही है, लेकिन इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर एयर मौजूद था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर मौजूद है, यहाँ पर वाटर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर वाटर मौजूद है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एयर मौजूद था, यानी कि एयर, और ये क्या था सॉलिड था, यहाँ पर क्या है ये सॉलिड है और वाटर है, ऊपर क्या है ये ऊपर वाटर मौजूद है, यानी जल मौजूद है। अब क्या करें, इस सॉलिड को यानी इस कंटेनर को क्लीन कर लिए, उसके बाद में इसमें क्या भर दिए, पूर्ण रूप से इसमें जल को भर दिए, यानी फुली पूरा इसको पानी से भर दिए, ठीक है, यहाँ पर इसको कंप्लीट जल से फिल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ कंटेनर है, यानी इस कंटेनर का वजन दिया है W1, इसमें कंटेनर का और सॉलिड यानी सॉइल का, वेट सॉइल का सॉइल इसमें मौजूद है, W2 क्या है कंटेनर प्लस सॉइल। नेक्स्ट है सॉलिड प्लस कंटेनर, कंटेनर प्लस वाटर, यानी तीन चीज मौजूद है, सॉलिड कंटेनर और वाटर, सॉलिड कंटेनर और वाटर। नेक्स्ट क्या है, वाटर और कंटेनर यानी जल का भार और क्या कंटेनर का भार है, ठीक है। W1, W2, W3 अभी बताते हैं डायग्राम से, जैसे कि क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि W1 क्या है, एम्प्टी है, कंटेनर का वेट है, W2 है, जो W2 है वो सॉलिड प्लस, सॉलिड प्लस कंटेनर का वेट है, W3 जो है सॉलिड प्लस वाटर प्लस कंटेनर का वेट है, W4 जो है केवल जल प्लस कंटेनर का वेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जलांश को ज्ञात करना हो, जलांश को ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, कोई भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर जल ना भर रहे होते, कोई और चीज भर रहे होते तो क्या उसको हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कंप्लीट या एक्यूरेट पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे यहाँ पर पिग्नोमीटर की मेथड से जल ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि जब तक अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व नहीं पता होगा तो यहाँ पर हम जलांश को नहीं ज्ञात कर पाएंगे, पिग्नो मेथड से जलांश को नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए हमको यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर ग्रेविटी की जरूरत होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होने
चाहिए, यानी ये जो वाटर है या कोई लिक्विड है जो भी मिक्स किए हुए हैं यहाँ पर है मौजूद, तो उसकी हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम इसको यानी वाटर कंटेंट यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर वाटर कंटेंट का फार्मूला। वाटर कंटेंट इसको टू वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर पान वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते क्या है, वेट ऑफ वाटर पान वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि जल की मात्रा तथा वेट ऑफ सॉलिड। तो ये वाटर कंटेंट इक्वल टू होगा वेट ऑफ वाटर पान वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ वाटर पान वेट ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पर याद रखेंगे वेट ऑफ वाटर, यहाँ पर वेट सॉलिड। ठीक है, ये डब्ल्यू टू जो है वेट सॉइल है, यहाँ पर ड्राई लिख दिया, नहीं सॉलिड लिख दिया, ये सॉलिड नहीं होगा, यहाँ पर वेट सॉइल होगा। ठीक है, यानी कि जो ठीक है यहाँ पर जो सॉइल सॉलिड नहीं वेट सॉइल है। ठीक है, वेट सॉइल है, ये भी वेट है, ये भी वेट सॉइल है। वेट सॉइल है, ठीक है, यहाँ ऊपर एयर है, यहाँ पर एयर की जगह पर क्या करती है वाटर भर दिया, यहाँ पर सब कुछ क्लीन करके यहाँ पर सिर्फ वाटर भर दिया। तो यहाँ पर इसका फार्मूला देख लेते हैं जो हमको यहाँ पर वाटर कंटेंट याद करना है, यानी वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कैसे याद करेंगे, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू यहाँ पर अगर देखें तो वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पर है। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल है और वेट ऑफ कंटेनर है, अगर W1 है तो वेट ऑफ कंटेनर है, W2 है वेट सॉइल प्लस कंटेनर है, W3 वेट सॉइल प्लस वाटर प्लस कंटेनर है, W4 है कंटेनर प्लस वाटर का वेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वाटर कंटेंट की वैल्यू, यानी वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करने के बाद में वेट ऑफ वाटर आएगा हमारा अपन वेट ऑफ सॉलिड, यानी वाटर कंटेंट जो आने वाला है यहाँ पर, ये आने वाला है इसका फार्मूला W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपान G टोटल का माइनस 1। ठीक, टोटल का माइनस 1 ये हो जाएगा वाटर कंटेंट। ठीक है, इसका डेरिवेशन, ठीक है, इसका डेरिवेशन आगे इसको बता देंगे कि कैसे ये डेरिवेशन इसका होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आगे बता देंगे। ठीक है, और अगर यहीं पर बोला जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर बिना स्पेसिफिक ग्रेविटी के वाटर कंटेंट को नहीं याद किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी देखा हमने W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपान G टोटल का होल माइनस 1 होगा। ठीक है, होल माइनस 1 होगा, तो ये वाटर कंटेंट का फार्मूला होगा। इसमें G की W1 W2 W3 W4 तो पता है हमें। ठीक है, यहाँ पर उसकी वैल्यू गिवन है W1 W2 W3 W4 होता क्या है। ठीक है, लेकिन G की वैल्यू नहीं है, तो हमको G की वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए, या इसकी वैल्यू अगर गिवन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है G की, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय इकोनोमीटर, कैसे याद करते हैं, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपान डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, W3 माइनस W4। ठीक है, तो ये मेथड है जिससे क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी तथा वाटर कंटेंट को दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे इसका डेरिवेशन, ठीक है, इसका डेरिवेशन आगे चल के बता देंगे। ठीक है, कि ये फार्मूला कैसे आता है। ठीक है,
अब यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि W1 क्या है, W2 क्या है, W3 और W4 होता क्या है, ठीक है, उसको डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। तो W1 क्या है, W1 क्या है, एम्प्टी कंटेनर वेट, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, यानी खाली बर्तन का या खाली कंटेनर का भार, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर, यानी W1 ये है। W2 है क्या है, W2 है वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉयल, ठीक है, वेट सॉयल यानी यहां पर क्या किया गया, कंटेनर में मिट्टी को डाल दिया गया, यानी सॉयल सैंपल को लाके कंटेनर में डाल, ठीक है। W3 क्या है, W3 यहां पर वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉयल प्लस जो स्पेस था बचा हुआ था वहां उसको पानी से फिल कर दिए कंप्लीट, ठीक है। तो वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉयल प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर। नेक्स्ट है W4 क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वाटर, यानी अब यहां पर क्या किया गया, इस पिग्मोमीटर को कंप्लीट क्लीन कर दिए और इसको जल से या वाटर से कंप्लीट फिल कर दिए। तो ये क्या है, वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वाटर, ठीक है। और यहां पर क्या चीज बच रहा है, जी बच रहा है, ठीक है। तो क्या है, जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। तो यहां पर सभी टर्म को देख लिया कि कौन से टर्म क्या होते हैं, ठीक है, इनका हम डेरिवेशन यानी वाटर कंटेंट्स कैसे पिक्नोमीटर मेथड से या ये फार्मूला कैसे हम पाते हैं और स्पेसिफिकिटी को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये आगे इसका डेरिवेशन कराने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेरिवेशन करा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, पहला ओवन ड्राई हो गया, दूसरा पिक्नोमीटर हो गया, तीसरा स्ट्रेंड बाथ मेथड देख लेते हैं कि स्ट्रेंड बाथ मेथड में कैसे वाटर कंटेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है वाटर कंटेंट मेथड, सॉरी सैंड बाथ मेथड, ठीक, सैंड बाथ मेथड। नेक्स्ट है थर्ड वन सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड, बात में क्या करते हैं, एक कोई कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक कोई कंटेनर है ये हमारा, ठीक है, यहाँ जिसमें कि बालू भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा है, सैंड भरा हुआ है, जिसमें क्या है, सैंड से फिल है कंप्लीट, ठीक है, ये बालू से भरा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे क्या करते हैं, टेम्परेचर यानी गर्म करते हैं, ठीक है, ये क्या इसमें फिल है, ये सैंड से फिल है, यहां पर हम हीट कराते हैं, ठीक है, इसको हीट कराते हैं, गर्म करते हैं, तो ये यूनिफॉर्मली यानी सेम एक तरीके से टेम्परेचर से गर्म होता है पूरा, ठीक है। यहाँ पर सॉयल सैंपल लेके आते हैं और सॉयल सैंपल को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉयल सैंपल इसमें फिल है, ठीक, क्या है, यहाँ पर इसमें सॉयल सैंपल है, ठीक है, तो ये क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो पहले इसका जब इसमें रखने से पहले वेट W1 मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इस कंटेनर का वेट जो है, ठीक है, इस कंटेनर का वेट है W1, कंटेनर वेट या वेट ऑफ कंटेनर,
यानी इस कंटेनर का वजन W1 है। W2 मान लेते हैं इस कंटेनर का, जो ये दिख रहा है ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में कंटेनर का वेट और सॉल्व का वेट, ठीक है, कंटेनर ऑफ द वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉल्व का वेट, कंटेनर प्लस वेट सॉल्व, वेट सॉल्व यानी यहां पर गीली मिट्टी और कंटेनर का वेट देख रहे हैं W2, ठीक है। W3 मान लेते हैं जब इसको हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्मली यानी सेम इक्वल, ठीक है, इक्वली गर्म करते रहते हैं तो क्या होगा, जो ये सैंड है वो कैसा गर्म होगा, यानी कि यूनिफॉर्मली लगातार यूनिफॉर्म होगा, यानी पूरा बालू सेम टेम्परेचर से होगा, ठीक है, गर्म होगा। तो इसको आधे से एक घंटे तक, ठीक है, आधे से एक घंटे तक गर्म करते हैं और इसका क्या होता है कि ये जो इसमें जल उपस्थित होता है यानी जो इसकी जितनी भी वाटर कंटेंट होते हैं वो क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है, यानी कि अब ये मिट्टी की पूर्ण रूप से क्या हो गई, सूख गई यानी ड्राई हो गई सॉइल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वेट ऑफ कंटेनर जो W3 अब मिला, यानी कि अब इसको यहाँ से इस सैंपल को उठा के दोबारा वेट करेंगे, ठीक है। जब दोबारा वेट करेंगे तो इसका वेट हमको मिलेगा वेट कंटेनर का और ड्राई यानी सूखी मिट्टी का, वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का, ड्राई सॉइल यानी सूखी मिट्टी का, यहाँ पर W3 मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमको फार्मूला पता है कि होता क्या है, वाटर कंटेंट का फार्मूला, वेट ऑफ वाटर पान वेट ऑफ सॉलिड फार्मूला होता है, वेट ऑफ वाटर पान वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं कि कैलकुलेट करने का, तो लिखेंगे यहाँ पर वाटर कंटेंट इक्वल टू, वाटर कंटेंट इक्वल टू यानी वेट ऑफ वाटर अपान वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर यानी कि जल की जल कितने वेट, जल का भार कितना है, तो यहाँ हम जब ये वेट ऑफ वेट सॉइल, कहाँ वेट सॉइल है, ये वेट सॉइल है, वेट सॉइल में से अगर हम ड्राई सॉइल को घटा दें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ड्राई वेट मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो क्या W2 माइनस W3 लिखेंगे आप, W2 माइनस W3, ठीक है, अपान अब यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड इस ड्राई में से यानी ये जो सूखी हुई मिट्टी है W3 में से क्या करेंगे, कंटेनर का वेट हटा देंगे, यहाँ पर हमें वाटर कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसे परसेंटेज में हमको पता करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, अदरवाइज यहाँ पर हमारा वाटर कंटेंट ज्ञात हो गया इसके मेथड से, सेंट बात से, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड को ध्यान रखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड मेथड सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है, यानी कि सबसे जल्दी जो हमें जलांश को यानी वाटर कंटेंट को ज्ञात करके दे सकता है वो कौन सा मेथड होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। नेक्स्ट मेथड है इसे क्या लिखेंगे, इससे क्विकेस्ट मेथड है, क्विकेस्ट मेथड, लेकिन एक्यूरेट सबसे मेथड की बात करें तो एक्यूरेट मेथड है ओवन ड्राई मेथड, ठीक है, ये क्विकेस्ट मेथड है यानी सबसे जल्दी वाटर कंटेंट को ज्ञात करके देने वाला मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड ये अगर देखा जाए तो ये लैब टेस्ट होता है, ये प्रकार का लैब टेस्ट होता है, ठीक है, इसे लिख सकते हैं ये कैसा है, लैब टेस्ट है, ये लैब लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है, लैब टेस्ट नहीं बोल लेबोरेटरी मेथड को लेंगे, लेबोरेटरी मेथड, और जो सैंड बाथ मेथड है ये है फिल मेथड, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हैं नेक्स्ट मेथड है रेडिएशन मेथड और एल्कोहल मेथड, ठीक है, रेडिएशन मेथड और एल्कोहल मेथड, इसे भी जरा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें पिकनोमीटर को जो जलांश ज्ञात करने वाला मेथड है कि वाटर कंटेंट का फार्मूला कैसे जनरेट होता है, कैसे आता है, उसको
सॉल्ट में एक बार दोबारा बता देंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे ठीक कैसे। यहाँ पर पिकनोमीटर मेथड का फार्मूला जनरेट होता है कैसे आया ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करते हैं ठीक है, थैंक यू।